नई क्षितिज रेखा पर लिख रहा कोई बच्चा अ आ ई उ सवेरा। सवेरे के इंतजार में अनगिनत दिए बुझ गए, आशाओं से भरी आंखें पथरा गई जब शिक्षा के मंदिर अव्यवस्थित मिले। समस्त प्रदेश और देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कामाख्या कौंडल देवभूमि कुल्लू के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा बच्चों की सरकार में शिक्षा मंत्री के पद हेतु अपना दावा पेश कर रही हूँ। शिक्षा के स्तर की यदि बात की जाए तो हम विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देखते हैं, नैक की ग्रेडिंग देखते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सच्चाइयों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। उच्चतर शिक्षा में चमकते हीरों को तो सभी सराहते हैं, लेकिन तस्वीर का दुखद पहलू यह है कि प्राथमिक स्तर पर असंख्य हीरों में पड़ी धूल को झाड़ा भी नहीं जाता। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के पैमाने पर पिछड़ते बच्चे शिक्षा व्यवस्था की पूरी कलई खोल देते हैं। यदि मैं शिक्षा मंत्री बनूंगी तो प्राथमिक स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में विशेष प्रयास करूंगी। प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में पाठ्यक्रम, अध्यापन कार्य और शिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान की गंगा प्राथमिक पाठशालाओं की गंगोत्री से ही निकलती है। मुझे शिक्षा मंत्री चुने क्योंकि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या कामाख्या कौंडल हैं शिक्षा मंत्री की सबसे बड़ी दावेदार? सुनिए बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के लिए 12 वर्ष की छात्रा के विचार। कुल्लू के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की 7वीं कक्षा की कामाख्या का ख्याल, देश में शिक्षकों के लिए नई शिक्षा नीति में हो बदलाव, तभी होगा देश में ज्ञान का विस्तार। शिक्षा मंत्री के दावेदारों की लंबी है कतार, कौन पहुंचेगा विधानसभा के द्वार? जानने के लिए देखें डिजिटल बाल मेला का यूट्यूब चैनल, साथ ही करें अपना रजिस्ट्रेशन www.digitalbalmela.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें।